नाउ जब कोई भी थ्योरी प्रपोज की जाती है तो जिस साइंटिस्ट का वो प्रपोजल होता है उस साइंटिस्ट के साथ साथ और दूसरे लोग बहुत सारे कम्युनिटी साइंटिफिक कम्युनिटी उस थ्योरी में काम करना शुरू कर देती है। और क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग इतनी जल्दी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है तो कहीं कुछ ना कुछ लैकुना उसमें पाया जाता है और यही लैकुना उस थ्योरी की लिमिटेशन बनता है और किसी भी नई थ्योरी का बेसिस बनता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का भी क्रिटिसिज्म हुआ जो कि हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशन बनी और इस लिमिटेशन की वजह से कितना और नया नई थियोरीज पता चली, कितना और साइंस का एडवांसमेंट हुआ। तो लेट्स सी ये लिमिटेशंस हाइब्रिडाइजेशन की क्या है। पहला लिमिटेशन, हाइब्रिडाइजेशन लिनस पॉलिंग ये नहीं समझा पाए कि एक ही एटम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा कार्बन का, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट केवल एक ही होती है जिसमें 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट हो जाता है बहुत आसानी से। इस प्रकार से कार्बन को केवल एक तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करनी चाहिए जो कि है sp3। लेकिन कार्बन तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहली sp हाइब्रिडाइजेशन जो C2H2 में होती है, दूसरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो C2H4 में होती है, और तीसरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो CH4 में होती है। ये पॉइंट पॉलिंग एक्सप्लेन नहीं करता है। सेकेंड लिमिटेशन, एक हाइब्रिडाइजेशन सेम हाइब्रिडाइजेशन की अलग अलग ज्योमेट्री और अलग अलग बॉन्ड एंगल कैसे हो सकते हैं। दिस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन थियरी और बाय लिनस पॉलिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के तीन कंपाउंड्स, पहला मीथेन, दूसरा अमोनिया, तीसरा वाटर। मीथेन का ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्रीज 5 मिनट, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अमोनिया ज्योमेट्री इज पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज, हाइब्रिडाइजेशन sp3। वाटर बेंट स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 104 डिग्रीज 5 मिनट्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो सेम हाइब्रिडाइजेशन लेकिन अलग अलग ज्योमेट्री और अलग अलग बॉन्ड एंगल, इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन से नहीं मिल पाया। लिनस पॉलिंग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, देन दो तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगा ओवरलैपिंग के हिसाब से, साइड बाय साइड, इसी हाइब्रिडाइजेशन के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की थ्योरी पे भी काम हो रहा था। तो ओवरलैपिंग की थ्योरी पे काम होने की वजह से दो तरह के बॉन्ड्स की व्युत्पत्ति हुई या डिस्कवरी हुई जो कि थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के इफेक्ट को जब हाइब्रिडाइजेशन से जोड़ा गया तो पॉलिंग उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि ज्यादातर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस को के स्ट्रक्चर्स को समझाने में हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल फेल हो गया, यूजलेस साबित हो गया। एंड लास्ट पॉइंट, चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जितने भी लिमिटेशंस किसी भी थ्योरी में जितने भी लिमिटेशंस होते हैं वो आगे आने वाली थ्योरीज के लिए फाउंडेशन बनते हैं। सो दैट इज वाई लिमिटेशंस और सम लैक्यूना और सम क्रिटिसिज्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट।